प्रदेश की पहली स्मार्ट सिटी में वेस्ट वाटर के रीयूज की पहल होने जा रही है। जल शक्ति विभाग धर्मशाला स्मार्ट सिटी के सहयोग से इस योजना को अमली जामा पहनाने जा रहा है और इस योजना को लागू करने वाला धर्मशाला प्रदेश का पहला शहर बनेगा। योजना के तहत धर्मशाला के गुम्मर में बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ ही एक लेक का निर्माण किया जाएगा। इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रतिदिन 14 लाख लीटर वेस्ट वाटर निकलेगा, जिसके लेक के माध्यम से स्टोर किया जाएगा, जिससे ट्रीटमेंट करके सिंचाई, फायर फाइटिंग और फिशरीज सहित अन्य काम के लिए रीयूज किया जाएगा। 2.5 करोड़ लागत से इस प्रोजेक्ट का जल शक्ति विभाग जल्द ही टेंडर भी निकालने जा रही है। आपको बता दें कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाला 14 लाख लीटर वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करके धर्मशाला के साथ लगते क्षेत्रों में सिंचाई, मछली पालन, आगजनी की घटनाओं से निपटने सहित शहर के गंदे नालों की सफाई हेतु भी प्रयोग में लाया जा सकेगा। जल शक्ति विभाग का दावा है कि यह प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट होगा जो धर्मशाला में स्थापित किया जाएगा। हमारा जो धर्मशाला सीवरेज सिस्टम प्रणाली है, उसके तहत हम एक गमरू में 1.4 MLD का सेप्टेज प्लांट बना रहे हैं। उसका जो जितना भी 14 लाख लीटर जो वेस्ट वाटर निकलेगा, लेके माध्यम से उसको हम स्टोर करेंगे और स्टोर करने के बाद उसको हम इस तरह ट्रीट करेंगे कि जो जिसमें हम फिश कल्चर भी डेवलप कर सकते हैं, और उसका हम ट्रीट करने के बाद लेक बनाएंगे। लेक बनाने के बाद उसको हम इरिगेशन पर्पज़ के लिए और दूसरे फायर फाइटिंग पर्पज़ के लिए या अदर देन ड्रिंकिंग जितने भी यूजेस होते हैं उसको हम यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रोजेक्ट हम स्मार्ट सिटी तहत कर रहे हैं और जिसकी लागत लगभग 2.5 करोड़ के करीब है, और ये हमारा टेंडर स्टेज में है और जल्दी इसका टेंडर करके काम शुरू कर दिया जाएगा। प्रतिदिन 14 लाख लीटर प्रतिदिन इसका पानी जो वेस्ट वाटर का यूज़ कर पाएंगे हम, जो जितने भी नीचे हमारे जैसे इरिगेशन है या कोई अदर यूजर्स के लिए कर पाएंगे। फिलहाल तो जो मेरी नॉलेज में इस तरह का ये पहला प्रोजेक्ट धर्मशाला में हम इसको बना रहे हैं।